हेलो तो गाइस यार, आपका स्वागत है आज के इस नई एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पोकेमोन के अभी तक 23 सीजन्स आ चुके हैं, पर यार जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि अब पोकेमोन का सीजन नंबर 24 भी आने वाला है और इस सीजन का ऑफिशियल नाम निकल के आ चुका है जो कि है पोकेमोन मास्टर जनरेट्स। अब यार सॉरी मैं इसको लेट लेकर आ रहा हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा कर लिया है जो कि मैं तुम्हें आज इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वाली वीडियो में हम सरीना रिटर्न आने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यार 6 मई को पोकेमोन कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये एक ट्वीट करा था जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि पोकेमोन जनरेट्स का जो नया सीजन है वो समर के आसपास में आने वाला है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ट्वीट पोकेमोन कंपनी ने करा था उसमें इस इमेज में अगर राइट कॉर्नर पे देखोगे तो तुम्हें एक म्यू दिखाई देगा। तो यार इससे शायद पोकेमोन कंपनी हमें इशारा दे रही है कि गो या ऐश में से कोई म्यू को पकड़ने वाला है। अब इन दोनों में से कौन पकड़ने वाला है वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा। और मेरे हिसाब से इस वाली सीरीज में ऐश की जर्नी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि सीजन नंबर 23 में भी गो ने बहुत सारे पोकेमोन पकड़े थे और ऐश की जर्नी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था पोकेमोन कंपनी ने। पैसा बर्बाद पहन, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे पोकेमोन कंपनी से। तो शायद इस वाली सीरीज़ में ऐश की जर्नी पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा। और पोकेमोन कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि इस वाले सीरीज़ में हमारा ऐश अपनी पोकेमोन मास्टर लीग पर ध्यान देने वाला है। उसका एम होगा उस पोकेमोन मास्टर लीग को जीतना और लियोन को हरा कर नंबर 1 पोकेमोन ट्रेनर बनना। और हम यार इतने सारे सीजन्स देख चुके हैं पोकेमोन के और ऐश का शुरू से यही सपना रहा है, तो हो सकता है इस बार वो सपना साकार हो जाए। और अगर ऐश को पोकेमोन मास्टर बनना है तो उसे लियोन को हराना पड़ेगा और लियोन को हराने के लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए क्योंकि लियोन नंबर 1 पर रैंक करता है और ऐश की रैंक शायद मेरे हिसाब से अभी 99 है। तो ऑब्वियसली ऐश को अलग अलग रीजन्स में जाकर अपने अलग अलग राइवल्स से वापस लड़ना पड़ेगा। और यार ये बिल्कुल वैसी स्टोरी हो रखी है जैसे मैंने पोकेमोन लास्ट एपिसोड में बताई थी। और जब वो अपने पुराने राइवल से लड़ेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स गेन करेगा और पॉइंट्स गेन करके ही वो पोकेमोन मास्टर बन पाएगा, क्योंकि तभी उसे मौका मिलेगा लियोन से लड़ने का। अब बात करते हैं कि यार म्यू को कौन पकड़ेगा। तो मेरे हिसाब से म्यू को ऐश पकड़ेगा, क्योंकि ऐश अब की बार पोकेमोन मास्टर लीग में फोकस कर रहा है और ऐश के पास बहुत कम लेजेंडरी पोकेमोन्स हैं यार। और अगर ऐश को म्यू मिल जाता है तो कतई मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर काफ़ी हद तक ऐश के लिए बैटल ईजी हो जाएगी। और हमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ऐश के पुराने पोकेमोन्स भी रिटर्न आने वाले हैं और मेरे हिसाब से 40 रिटर्न ज़रूर आएगा और हो सकता है ग्रेनिंजा रिटर्न आए। अब ग्रेनिंजा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन है और हमारे ऐश के पास ग्रेनिंजा को छोड़कर किसी के पास भी कोई बॉन्ड एवोल्यूशन या फिर मेगा एवोल्यूशन नहीं है। तो ग्रेनिंजा के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ऐश पोकेमोन मास्टर लीग के फाइनल्स में पहुँच जाता है तो वहाँ पर लियोन के 40 के पास जायगंटा मैक्स फॉर्म है, लेकिन हमारे ऐश के किसी भी पोकेमोन के पास जायगंटा मैक्स नहीं है पिकाचू को छोड़कर। और भी मेगा एवोल्यूशन किसी भी पोकेमोन के पास अभी तक नहीं आया है, हो सकता है लुकारियो को मेगा एवोल्यूशन मिल जाए। अब यार जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि ऐश अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करेगा अपने राइवल्स को हराने के लिए, तो यार वहाँ पर सीन ये हो सकता है कि ऐश जो है अपने पुराने दोस्तों से भी मिले और हो सकता है कोई ना कोई पोके गर्ल रिटर्न आ जाए। और मुझे लग रहा है कि सरीना रिटर्न आएगी, क्योंकि सरीना का ऐश का बॉन्ड बहुत अच्छा है और हो सकता है या तो सरीना ऐश से बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ या फिर ऐश सरीना से। वैसे कुछ कह नहीं सकते, मिशी में और भी काफी सारी पोके गर्ल्स में से कोई भी आ सकती है। भाई सरीना वरीना छोड़ो, आयरिस ना पकड़ा दे, गजब बेइज्जती। ये पोके वर्ल्ड है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यार मेरे हिसाब से तो सरीना के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताना तुम्हारे हिसाब से कौन सी पोके गर्ल आएगी। एंड मुझे एक चीज़ और लग रही है कि जब ऐश अलायंस से बैटल करेगा तो शायद पुराना बदला भी निकाल ले और हो सकता है ऐश के 40 और अलायंस के 40 के हमें बहुत औसम बैटल देखने को मिले। तो यार बस इतना ही था आज की इस वाली वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा पास खड़े हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।